बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। देखो झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा एक मर्ज की वजह से होता है जिसको मुनाफसत कहते हैं। मुनाफसत, मुनाफकत नहीं, मुनाफकत अलग चीज है, हिपोक्रेसी वो अलग चीज है। मुनाफसत, मुनाफसत का मतलब यह कि दुनिया की चीजों में एक दूसरे से आगे बढ़ना, मुनाफसे इसे कहते हैं। दुनिया की चीजों में एक दूसरे से आगे बढ़ा, इसे ये मकान बनाया मैं इससे ज्यादा अच्छा बड़ा मकान बनाऊंगा, इसे दो दुकानें खोल ली मैं तीन दुकानें खोलूंगा, इसने ये खरीदा है मैं इसे अच्छा खरीदूंगा, अच्छा इसने ये पहना है मैं इसे अच्छा पहनूंगा। गोया कि ये दुनिया की चीजों में एक दूसरे से मुकाबला करता है। ये मुनाफसे जब इंसान के अंदर पैदा हो जाती है, उस पैदा होने के बाद झगड़ा शुरू हो जाता है। क्यों? इसलिए कि अगर वो इससे बढ़ जाता है, अगर वो उससे बढ़ जाता है तो इसके दिल में उसका कीना पैदा हो जाता है। कीना पैदा हो जाता कि यार ये मुझसे आगे निकल गया, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको, कहीं ना कहीं जलील करूंगा। और जो बढ़ जाता है उसके दिल में तकब्बुर पैदा हो जाता है, अजी देखा मैं उससे आगे निकल गया। बस ये तकब्बुर और ये कीना, ये दो ऐसे मर्ज हैं, ये इंसानियत को तबाह करते हैं। ये आपस के लड़ाई झगड़े की बुनियाद मुनाफसत बनती है, और मुनाफसत ये आगे ये दो कीना और तकब्बुर पैदा होते हैं। जो रह जाता है उसमें कीना पैदा हो जाता है, जो पा जाता है उसमें तकब्बुर पैदा हो जाता है। और हज की इबादत जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है उसने मुनाफसत की गरे काट दी है।